हेलो फ्रेंड, आज ही आप शीखीशू पीएफ में केवाईसी कई रीते करव। तो सौ पहला आप गूगल ओपन करो, सर्च में ई पीएफओ वेबसाइट सर्च करो, मेंबर होम पर क्लिक करो। मेंबर होम पर क्लिक कर पशी तमारे थ्री डॉट पर क्लिक करवा रहे। थ्री डॉट पर क्लिक कर पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साइट ऑन करो। पीछे तमारो योनो नंबर और पासपोर्ट एंटर करो अने कैप्चा नाखी अने पीछे लॉग इन करो। कैप्चा नाखी ने पीछे साइन अप करो। साइन अप कर पीछे तमारो आईडी ओपन थी गयु। हवे आमा तमारे डिटेल सब बधी आवी गई। हवे तमारे मैनेज में क्लिक करवा रहेशे। मैनेज में क्लिक करशो पछी केवाईसी तीजा नंबर पर केवाईसी लखेलो आवशे। केवाईसी पर क्लिक करो। केवाईसी पर क्लिक कर्या पछी बैंक पान आधार पासपोर्ट तमे कोई भी वस्तु अहींथी लिंक करी शको। तो आपणे बैंक अकाउंट लिंक करवा माटे बैंक पर क्लिक करो। बैंक पर क्लिक करशो एटले तमारुं नाम ऑटोमेटिकली आवी जशे। पछी तमारे बैंक अकाउंट नंबर नाखवा डायल करवानो रहेशे। बैंक अकाउंट नंबर तमे अहींया बैंक अकाउंट नंबर भरो। पछी बे वखत तमारो बैंक अकाउंट नंबर लिंक भर्या पछी तमारो आईएफसी कोड दाखल करो। आईएफसी कोड दाखल कर्या पछी वेरीफाई करवानो। वेरीफाई कर्या पछी ओटीपी नाखवानो आवशे। ओटीपी दाखल कर्या पछी सेव करवानो। सेव करशो एटले तमारुं केवाईसी पेन्डिंग में आवी जशे। करंटली एक्टिवेट केवाईसी में तमारुं केवाईसी तमारुं नाम डिटेल बैंक अकाउंट आईएफसी कोड बधुं आवी जशे। 10 થી 15 દિવસ में तमारुं केवाईसी थई जशे। सहेलामां सहेला 60 દિવસ સુધીમાં થઈ જશે ને પછી કેન્સલ થશે। તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। એના લાઇક ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા।